हे कृष्णा, तो टॉपिक है क्या, कोई आपकी वजह से हर्ट है, ठीक है। मे बी शायद अगर किसी को लग रहा है कि somebody is hurt because of them, तो ये रीडिंग उनके लिए हो सकती है। कीप योर आइज ओपन और ये रीडिंग इंट्यूशुअली होगी। आई एम गोइंग टू टेक थ्री कार्ड्स ओवर हियर, ठीक है। तीन ऑब्जेक्ट्स मैं यूज़ करूँगा एंड ये होगी पिक कार्ड के लिए, ठीक है। तो पहला जो पिक कार्ड है वो है सेवन ऑफ वॉन्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। किसी का है तो उनके लिए हो सकता है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, ये अगर आपके लिए है तो मे बी यू कैन लुक फॉर दैट वन। सेकेंड जो कार्ड है वो है नंबर 9, जो कि है ग्रोथ, ठीक है। इफ़ यू फील कि भाई किसी ने मैच्योर होना चाहिए, कोई ब्रेकअप आसानी से नहीं ले रहा है, या फिर यू नो समबडी नॉट अंडरस्टैंडिंग यू क्वाइट वेल, तो ये आपके लिए हो सकता है। व्हाटएवर इट इज यू कैन चूज। अब सबसे पहले हम करते हैं कार्ड्स के चुनाव, ठीक है। वी हैव एंजल ओरेकल, सॉरी वी हैव इंट्यूशन, ये एनर्जी ओरेकल, देन वी गॉट द टैरो एंड एंजल ओरेकल देन, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, चलो सबसे पहले चुनते हैं एंजल ओरेकल, एनर्जी ओरेकल से बस 1, 2 and 3 कार्ड, ठीक है। एंड फॉर नंबर 9 कहते हैं और चुनाव, बस चुनते हैं 3 ही कार्ड। ये आ गया पहला, दूसरा एंड फाइनल वन, तीसरा, ठीक है। तो एनर्जी ओरेकल का कार्ड यहाँ पे मैंने चुन लिया है। नाउ लेट्स लुक एट द टैरो इटसेल्फ, ठीक है। टैरो से हमें कुछ कार्ड्स चुनने हैं, तो देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। चलो यस, और कुछ कार्ड ही चुनते हैं हम बस टैरो से। 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है। उसी तरीके से नंबर 9 के लिए भी हम कार्ड चुनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 and finally 6। चलो 6 कार्ड आ गए, 8 नहीं होता लेकिन मैंने सब 6 चुन लिए, ठीक है। एंड नाउ वी गॉट द एंजल ओरेकल, देखते हैं एंजल ओरेकल में हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलो देखते हैं शफलिंग, एंड बस चुनते हैं 3 कार्ड, 1, 2 and 3। एंड नंबर 9 के लिए चुनते हैं बस 3 कार्ड, 1, 2, 3, okay, here we go। ये हो गया है यहाँ पे, तो चलो मैं इसे रखता हूँ स्ट्रेट, ओके। तो जिन्होंने भी चुना है सेवन ऑफ वॉन्स, ये कार्ड है उनके लिए, और जिन्होंने भी चुना है नंबर 9, ये कार्ड है उनके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 7 के लिए क्या रीडिंग आती है, ओके। मैं रखता हूँ यहाँ पे जिसके आप फील आप, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। वेल, द फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज कॉन्ट्रैक्ट। पहला ही कार्ड जो आपके लिए आ चुका है वो है कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक या तो आप शादी के फेरे में बंध चुके हैं, या फिर इस काइंड ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन यू, ओके। मे बी शायद किसी कलीग या किसी फ्रेंड के बारे में हो सकता है कि शो शायद आप दोनों कहीं पे वर्क करते थे एंड नाउ उस पर्सन ने शायद कहीं पे जॉब करना छोड़ दिया है। अगेन अगर हम बात करें एज बीइंग योर लवर, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। तो शायद शादी करने के लिए शायद कोई रेडी नहीं है, फिर किसी ने शादी से मना कर दिया है। यू नो इस काइंड ऑफ थिंग के भाई कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं अगर ब्रेक हुआ है तो शायद कोई आपकी वजह से हर्ट हो सकता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टिल है देन द पर्सन इज बिट हैप्पी विद यू, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है, जो कि है ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस। वाओ, ये काफ़ी कंफर्टिंग कार्ड है। तो जैसे कि पहला कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट, समवेयर आई फील कि भाई आपका पर्सन आपके साथ काफ़ी खुश हो सकता है बिकॉज आपने अपना वादा निभाया है। सो मेरी थिंक इज दैट आपने जो भी वादे किए हैं कि आप उनके साथ रहोगे या फिर आप उनके साथ रिश्ता निभाओगे, आई थिंक यू आर यू नो रिमेंबरिंग योर वर्ड्स, और अपने वादे से पलट नहीं रहे हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो या तो आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है या फिर काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में हो सकते हो। इफ दैट इज द ट्रूथ देन योर लवर इज क्वाइट हैप्पी विद यू। नेक्स्ट कार्ड है वो है डोर टू स्पिरिट, ओके। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है स्पिरिट फ्रीम का, तो मे बी वन ऑफ यू इज गेटिंग द काइंड ऑफ कनेक्शन। शायद आप में से किसी को इंट्यूशंस भी मिल रहे होंगे। अनदर थिंग जो हमें यहाँ पे दिख रही है, जस्ट अ मिनट, जैसे ये जो कार्ड है डोर टू स्पिरिट इज लाइक समवेयर, आई थिंक आप में से कुछ लोग जो है उन्होंने प्रॉस्पेरिटी हासिल कर ली है। यू नो आपको इंट्यूशंस भी मिल रहे हैं, एंड जो नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए मिल रहा है वो ये कि भाई डोर टू स्पिरिट इज लाइक यू आर इन टू योर हैप्पी जोन, अब अपने हैप्पी जोन में हो। सो नाउ इट मीन्स कि आप दोनों को म्यूचुअली अंडरस्टैंड करना होगा अपने रिश्ते को, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मे बी आप दोनों ने अपने प्रोज एंड कॉन्स को अंडरस्टैंड कर लिया है, कि शायद कोई शरारती है या फिर कोई नॉटी है,
कोई बहुत कम बातें करता है, कोई बहुत बातें करता है, तो इन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हो, एक्सेप्ट करते हो एज अ एस्पेक्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, है ना। तो ये बात आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, ये था रिगार्डिंग द एनर्जी ओरेकल। और देखते टैरो हमें यहाँ पे क्या रहता है। देखो पहला जो टैरो कार्ड है यहाँ पे वो है सेवन ऑफ सोर्स, जो कि है रिवर्स में। ओके, सेवन ऑफ सोर्स रिवर्स में आ चुका है। इट्स जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के लिए कार्ड एंड इट्स अ रिवर्स कार्ड। तो समवेयर अगर किसी को लग रहा है कि भाई ये पर्सन जो है वो शायद आपका दिल तोड़े, या फिर आपने किसका दिल तोड़ दिया है, तो आई थिंक ये गलत बात है। आई थिंक द पर्सन हैजंट ब्रोकन योर हार्ट, लेकिन शायद सर्कमस्टांसिस किसी के लिए कुछ ऐसे हुए होंगे कि दिखता कुछ और है लेकिन असलियत होती कुछ और है। जैसे कि मान लो आप पेशेंटली वेट कर रहे हो और डॉक्टर नहीं आ रहे, आपको लग रहा है कि डॉक्टर क्यों वेट करा रहा है। देन यू कम टू नो कि भाई वो ICU में थे। देन यू नो थिंक अबाउट समथिंग डिफरेंट। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई आपको लगा कि भाई डॉक्टर तो ICU में है और पता चला कि डॉक्टर कहीं बाहर से घूम के आ रहे हैं बहुत मस्त में, जबकि आपको उनकी बहुत जरूरत थी। सो दिस वे इट वर्क्स, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द सन। ये आ गया है रिवर्सल में। सो द सन रिवर्सल में सिंपल मीनिंग है कि भाई यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो चीज़ें हमेशा दिखती है वो ऐसे होती नहीं। आई थिंक किसी पर्सन ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही भरोसा किया था, एंड क्योंकि अगर ज़्यादा पावर हो जाए, ज़्यादा वेटेज हो जाए, यू नो, जैसे कि मीरा बाई चानू को हमने देखा था कि जब फाइनलिस्ट वो मैं वो पहुँची थी एंड जो फाइनल राउंड था, आई थिंक 117 या कितने किलो का उनको वजन उठाना था, एंड इट वॉज अ फेलियर, बिग फेलियर। उनको सिल्वर मेडल मिला, बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन इतना बड़ा बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। तो अगर आपके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा बोझ डाल दिया कि जो भी इनकी बात है आप हाँ कहोगे, ये तो मुमकिन नहीं है, तो अगर ऐसी बात है तो समवेयर शायद किसी को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट शायद आपसे हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है 10 of Pentacles। इट्स लाइक एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज हैपनिंग। देखो कैसे होता है कि अगर हम किसी को बताएं कि हम रिश्ते में बहुत खुश हैं, तो इसका मतलब है कि आप दोनों का रिश्ता काफी खुश है। लेकिन क्या यही किसी को चाहिए था? फॉर एग्जाम्पल मे बी कोई म्यूजिक लवर है और आप इसको आपके हिसाब से जो बेस्ट है म्यूजिक में वो इक्विपमेंट ला के देते हो, एंड इफ द पर्सन सेज कि मुझे तो भाई वो चाहिए था, वो मुझे बहुत पसंद था, तो इट्स लाइक ब्रेकिंग योर हार्ट, यू नो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन शायद सामने वाला पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, ओके, या फिर उसके एक्सपेक्टेशन काफी हाई है। नेक्स्ट वी गॉट 6 of Swords रिवर्स। तो ये है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड इट्स लाइक कमिंग बैक। आई थिंक कोई आपसे रूट के जा नहीं रहा है, बल्कि या तो वहीं पे है या तो वापस आ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन जो है वो आपके खिलाफ या फिर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपसे ज़रूर बात करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, लेकिन शायद अपना वक्त ले रहा है, यू नो। किसी किसी को लगता है कि भाई मेरा भी एटीट्यूड है, मैं भी अपना एटीट्यूड दिखाऊंगा। सो दिस कुड बी द पॉइंट इन देयर थिंकिंग। देन वी गो ऑफ द टेम्परेंस कार्ड, जो कि है सैगिटेरियस के लिए। तो कोई पर्सन अगर सैगिटेरियस के कार्ड उनके लिए है, टेम्परेंस इज लाइक कनेक्टिंग टू टू डॉट्स, यू नो। एक पिक्चर, यू नो, न्यूज़पेपर में आते थे कि डॉट्स को कनेक्ट करो, आपको एक फिगर मिल जाएगी, बस वैसी है। ये पर्सन दोनों डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है। यस, उनकी हैप्पीनेस आप में है, लेकिन ये बताना वो शायद ही ज़रूरी समझे। ये शायद कोई एक वजह हो सकती है जिसके वजह से आप शायद उनके ऊपर ही नाराज़ हो सकते हो। जो कार्ड यहाँ पे वो है 5 of Cups। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इट्स लाइक समथिंग हैज़ गॉन एंड समथिंग इज स्टिल देयर, यू नो। तो शायद उनकी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। अब मे बी अगर वो चाहते हैं दैट यू शुड स्टार्ट लविंग देम, किसिंग देम, एंड ये अगर आपसे नहीं हो रहा, या फिर दे हैव मोर, यू नो, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू दैट दे जस्ट वांट टू बी विथ यू एंड लाइकवाइज, तो जब भी वो चाहें आप उन्हें एंटरटेन करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपने उनको लिमिट्स डाल दिए हैं। आप कह रहे हो छाती ठोक के, आई एम इन रिलेशनशिप बट आई एम नॉट इन लिविंग रिलेशनशिप और आई एम नॉट इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। एक प्यार भरे रिश्ते की ये सौगात है, एक्सेप्ट करना है मैं आगे हूँ, नहीं एक्सेप्ट करना है आई एम आउट ऑफ इट। ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात हो सकती है किसी किसी के लिए। वेल, एंजेलिक मैसेजेस क्या है यहाँ पे देखते हैं। देयर यू गो, यस, समवेयर यहाँ पे जो मीनिंग आती है, सिंपल सी बात है कि आपको अगर आगे बढ़ना है आप आगे बढ़ सकते हो, आगे जा सकते हो, कोई भी दिक्कत मोस्टली नहीं आनी चाहिए, बस आपको बिलीफ रखना है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है एवरीडे वर्क। तो बस आपको अपने दिन भर का काम करते रहना है, ज्यादा सोचिए मत, यू नो, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन थिंकिंग कि वो क्या करेंगे, क्या वो मुझसे बात करेंगे, आज नहीं करेंगे, वो कैसे होंगे।
आपको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, एंजल्स और बाकी के जो उनके देवी देवता है वो देख लेंगे, उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स, उनके फ्रेंड्स देख लेंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वरना आपका दिन खराब हो जाएगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है आई फुल ऑफ टीयर्स। यस, ये कार्ड आ गया, आई थिंक मे बी आप वैसे किसी के लिए कार्ड हो सकता है या फिर किसी का ये कार्ड हो सकता है आपके, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, 70-80% लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग किसी के लिए आंसू बहा रहे हो। सो कहीं ना कहीं ये बातें ऐसी हैं कि मे बी यू नीड टू अंडरस्टैंड, देखो चीज़ें हर दफ़ा जैसी दिखती है वैसे होती नहीं, और अगर आप उनके लिए आंसू बहा भी रहे हो फिर भी आपके लिए क्या कार्ड आ गया, एवरीडे वर्क। सो फोकस ऑन योर लाइफ, यूं ही किसी के लिए आंसू मत बहाइए। अगर किसी पर्सन को आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अगर कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करता और आपको ही ब्लेम कर रहा है, देन वॉट यू कैन डू अबाउट इट। ठीक है, अब देखते हैं ग्रोथ, जिन्होंने भी नंबर 9 चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले देखते हैं एनर्जी ओरेकल, थर्ड चक्र आर्चेंजल कैमियल। आर्चेंजल कैमियल इज ओवर हियर एंड इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग और इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये मोस्टली होता है अबाउट योर थॉट्स। ठीक है, आपके थॉट्स क्या कहते हैं या फिर आप उसके बारे में क्या सोचते हो। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो शायद आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचता है। ओके, एंड द पर्सन वॉन्ट टू बी विथ यू। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के हिसाब से आप हमेशा उसके साथ होने ही चाहिए, चाहे जो भी बात हो। पार्टी में जाना है, द पर्सन विल कॉल यू। कहीं पे जाना है, द पर्सन विल कॉल यू। वो ऑफिस से फ्री हुआ, द पर्सन विल कॉल यू। सो इट्स लाइक ये आपको गारंटीड ले रहे, यू नो, अगर आप LIC ओपन करते हैं तो आपको दिखता है गारंटीड बोनस, बस वैसे ही है। इनके हिसाब से आप गारंटीड होगे ही वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे हिसाब से ये पर्सन बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है आपके ऊपर, यू नो। तो अगर आप ज़रा से भी फेल हुए तो क्या हो सकता है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड चक्र है, सो दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट वेयर द पर्सन कैन बी थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। बातें उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, खाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, गोइंग ऑन डिनर डेट्स विथ यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बातें शायद पचानी उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकती है। मे बी द पर्सन इज मोर इन टू द गॉसिप्स। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है फिफ्थ चक्र आर्चेंजल गैब्रियल। वाओ, दोनों ही आपके लिए एंजल्स आ चुके हैं। एंजल्स फिफ्थ चक्र आर्चेंजल गैब्रियल यहाँ पे आ चुका है। योर वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से जो हम बात करते हैं कि भाई आप उनसे कितनी दफ़ा बात करते हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता है यू शुड से आई लव यू टू देम एवरी नाउ एंड देन। ओके, तो अगर कोई आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप हमेशा उनकी हाँ में हाँ कहोगे, आप हमेशा उनको कहोगे भाई तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, आई ट्रूली लव यू, ये कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा हो सकता है। कहीं किसी को अपने थॉट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, यू नो। इट्स लाइक अगर आप हमेशा उनके बारे में बात करते रहें तो ये फिर प्यार नहीं होगा, ये चापलूसी होगी। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बातें आ सकती है, या फिर आप में से किसी ने उनसे बात करना थोड़ी देर के लिए सी बंद कर दिया है या फिर उनको ब्लॉक कर दिया है। दिस कुड बी हैपनिंग एज वेल। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है मैन होल्डिंग अ कॉइन पेंटिकल्स का। हम ये साइन दे सकते हैं लाइक थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न। सो इट्स लाइक समबडी इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है किसी को, और ये जो रिश्ता है मेरे हिसाब से ये रिश्ता गिव एंड टेक वाला है। ओके, ये पर्सन आई थिंक प्राइमरीली उनकी यही आपसे सोच होगी कि भाई जितना मैं इन्वेस्ट करूँगा उतना ही मुझे रिटर्न चाहिए। तो ये नहीं कि बस ये आपके लिए कुछ करते ही जाएंगे, एक हिसाब से दे डू समथिंग फॉर यू, यू शुड डू समथिंग फॉर देम। लाइक अगर आपके लिए वो एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद रहे हैं, यू शुड डू समथिंग फॉर देम लाइक फ्लर्टेशियस और वॉट एवर दे वॉन्ट फ्रॉम यू, ऐसा कहीं ना कहीं लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है टैरो। टैरो से देखते हैं क्या रीडिंग आती है। वेल, पहला जो कार्ड है टैरो का वो है द एम्प्रेस। एम्प्रेस रिवर्स में आ चुकी है, ये दिखाता हूँ आपको स्ट्रेट का। ये है द एम्प्रेस एंड द कार्ड इज इन रिवर्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे जो जादू है या फिर जो प्यार का इश्क का जादू है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता नज़र आ रहा है। ओके, सेकेंडली अगर किसी को लग रहा है कि देर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, वो शायद चली गई है, दैट इज़ गोना बी गुड साइन। अनदर थिंग इज़ दैट यू नो कि कोई शायद यहाँ पे मैनिपुलेटिव हो गया है, तो आपके लिए शायद ये बहुत ही बोरिंग डेट बन सकती है। लाइक मे बी पहले आप उनसे मिलते थे लाइक वाओ उन्होंने मुझे कॉल किया, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, लेकिन अब जब ये बुलाते हैं कि यू शुड कम टू मीट मी, यू शुड टॉक टू मी, हम यहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जाएंगे, लाइफ आपके लिए शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोरिंग बन चुकी है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है सेवन ऑफ वॉन्स।
इट्स अ काइंड ऑफ साइन जहाँ पे आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही कि भी एग्जैक्टली व्हाट आर यू डूइंग. शायद पहले से इस पर्सन के ऊपर काफ़ी लोगों का क्रश हो सकता है. एंड सेकेंडली थिंग इज दैट कि आप शायद अपने ही खिलाफ जा रहे हो. शायद आपके उसूल अलग हैं और इनके उसूल अलग है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैम उनको सही लगे, शायद इसलिए आपने अपने उसूलों के ऊपर पानी फेर दिया है. दैट इज नॉट अ गुड साइन टू अंडरस्टैंड इन रिलेशनशिप. ये कहीं ना कहीं बातें आपके लिए हो सकती है. एरीज, लियो, सैज, ये जब कार्ड आते हैं तो बहुत ही फायरी पावरफुल कार्ड्स होते हैं, पावरफुल साइंस होते हैं. सेवन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक गोइंग अगेंस्ट, तो आप कहीं ना कहीं किसी के खिलाफ जरूर जा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है टू ऑफ पेंटिकल्स. अगेन अ काइंड ऑफ अ चॉइस इज गोइंग ऑन. टॉरस पर कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे अगर चॉइस बनी जा रही है अर्थ साइन के लिए तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मैटर करता है. मे बी शायद आपके लिए अपना करियर और इनमें से किसी एक को चुनना होगा, या फिर इनको आप में से किसी और को चुनना होगा, ये कहीं ना कहीं हो सकता है, या फिर बिटवीन यू एंड देयर फैमिली एज वेल. इशू कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स जो कि है रिवर्स में. सो एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में मतलब कहीं ना कहीं किसी के आई थिंक वर्क के ऊपर अफेक्ट हुआ है. शायद कोई बीमार था, फिर यू नो किसी का जॉब चला गया है, फिर किसी की सैलरी जो है वो परमानेंट नहीं आ रही है, कोई किसी का जॉब चला गया, फिर जॉब मिल नहीं रहा है, ये कुछ इश्यू हो सकते हैं. तो मे बी शायद अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऑब्वियसली कोई पर्सन जो है वो तो किसी के ऊपर तो अपना भड़ास जरूर निकालेगा. तो अगर ऐसी बात है टॉरस और कैप्रिकॉर्न, यू कुड बी गोइंग टू बी द ब्लेमिंग विक्टिम. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स. ये अगेन एक साइन है जहाँ पे वे आउट निकालने का चल रहा है. आई थिंक आप उसके लिए कोशिश करें अपने पर्सन के लिए. अगर सच में The person is not happy with you, या फिर जिंदगी से ही खुश नहीं है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई जो उन्होंने चाहा था वो नहीं मिल रहा है, तो आप ही उनके लिए वे आउट निकालने की कोशिश कर रहे हो. समवेयर आई थिंक आप ही जल्दी कर रहे हो कि वी शुड गेट टुगेदर. आई थिंक उस पर्सन को हरी अप नहीं करना है, वो आराम से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ही जल्दी है टू गेट अलॉन्ग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन और टू गेट मैरिड. एंड जो फाइनल टैरो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ कप्स जो कि है रिवर्स. अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं से किसी से हेल्प मिलेगी तो आई थिंक द पर्सन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे. कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस इमोशंस वाला कार्ड होता है. समय आपको लग रहा है कि भाई आप किसी को हेल्प करोगे या फिर कोई आपको हेल्प करेगा तो ये गलत बात हो सकती है. यू गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड इन योरसेल्फ. नेचर कार्ड है यहाँ पे वो है अ न्यू डोर अवेट्स. कहीं ना कहीं एक नया दरवाज़ा खुल चुका है. तो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी इनको यू नो वापस से पाने की या फिर इनसे जुड़ने की, यस ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है. अगेन इफ़ यू वांट टू हैव अनदर पर्सन इन योर लाइफ, ये भी आपके लिए हिंट हो सकती है. हैव यू आस्क्ड दिस, क्या यही आपने सोचा था कि ज़िंदगी में आपको यही चाहिए था? जिस पर्सन के साथ आपने यू नो अपनी ज़िंदगी बिताने की सोची है, क्या ये पर्सन अभी आपके साथ अच्छे तरह से बिहेव कर रहा है? और अगर हाँ तो वेरी गुड, नहीं तो ये कार्ड आपके लिए है. एंड जो फाइनल कार्ड है वो है यू मिस देम. समय लग रहा है कि या तो ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर आपसे दूर चला गया है. आई थिंक यहाँ पे आप ही हर्ट हो रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है. एंड ये पर्सन आपसे हर्ट नहीं है. द पर्सन इज वेरी वेरी गुड इन देयर लाइफ स्टाइल. शायद वो आपको भुला के आगे भी बढ़ चुके होंगे. गीता रीडिंग, आई हैव प्रेजेंट. थैंक यू.